जय हिंद साथियों, आज मैं बना रही हूँ तोरी और ये अरबी की डंडी है। इसकी साग बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे और यानी कि तरी वाला बनाएंगे। और इसको हम डंडे का जो यूज़ करेंगे, इसके ऐसे हम छिलके निकाल लेंगे तभी यूज़ करेंगे, बिना छिलके निकाले यूज़ नहीं करना है इसको। ये देखिए, इस तरह से सारे छिलके हम निकाल लेंगे और बाकी छिलके जो है मैंने डंडियों के निकाल के इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। और इसको साफ़ करने के बाद हम इसको इस तरह से काट लेंगे। लेकिन आप जो ये डंडी है, इसको काटने से पहले, साफ़ करने से पहले अपने हाथों में तेल ज़रूर लगा लीजिए, वरना इसकी तेज़ खुजली लगती है जो कि बहुत देर तक रहती है। तो इसको ज़रूर आप इस तरह से करिए और बारीक बारीक काट लीजिए। ये जो सब्जी है, ये चावल के साथ बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है, पहाड़ी रेसिपी है। आप एक बार जो है ट्राई ज़रूर करना। जब तक इसको हम बनाना शुरू करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए बनाना शुरू करते हैं। और देखिए साथियों, तेल काफ़ी अच्छा गर्म हो गया है। मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है 1 चम्मच, और इसमें अब हम डालेंगे जख्या का तड़का और 1 लाल मिर्च, इसको मैंने काट के रख दिया, इसको डालेंगे। आप जख्या की जगह सरसों या आप वो भी डाल सकते हैं, जीरा। फ्लेम को लो पे कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे आटा 2 चम्मच, और आटे को लो फ्लेम पे भून लेंगे। फटाफट भूनेंगे वरना आटा जल जाएगा। अच्छी खुशबू आने लगी है, फटाफट सब्जी डाल लेंगे। और अब हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे और फ्लेम को मीडियम पे कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने 2 मिनट तक इसे भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, बहुत सिंपल मसाले हैं। हल्दी डाल लेंगे, मिर्च डाल लेंगे जितना तीखा आपको चाहिए, और नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से, और किचन किंग मसाला जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसाले पहाड़ी खाने में नहीं डाले जाते हैं, तो ये मैंने बेसिक मसाले इसमें डाल दिए। इसको फिर से हम 1 मिनट और भूनेंगे ताकि मसाले इसके साथ अच्छे से भून जाएँ। और ये देखिए, मेरे जो किचन गार्डन है उसमें इस तरह से ओगल के पत्ते हो रखे हैं, जिसे कुत्तों को भी बोलते हैं। तो इन पत्तों को मैं थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ, आप नहीं भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा, यह है कि उपला सूखा है तो थोड़ा हेल्दी बना देती हूँ, इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो आप नहीं भी डाल सकते हैं इसको, और इसको हम इसमें बारीक बारीक काट लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और ये पत्ते काट के मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। इसमें अब हम पानी डालेंगे। ये देखिए, मैंने गर्म पानी किया है और इसमें डाल रही हूँ मैं। इसको मिक्स कर लेंगे फटाफट। देखिए अभी से कितना अच्छा ये लग रहा है, और कंसिस्टेंसी आप अभी से देख सकते हैं इसकी, कितनी अच्छी लग रही है, जबकि अभी ये पका भी नहीं है। तो हमें कितना गाढ़ा चाहिए उतना हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि मैं चावल के साथ के लिए बना रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इसे तरीदार बनाना है। और इसको अभी हम पकाएंगे, तो अब हम इसको ढक के पका लेते हैं। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए इसे पकते हुए। इस वक्त हम डालेंगे इसमें आधा प्याज बारीक बारीक कटा हुआ, और लहसुन को मोटा मोटा कूट के हमने यूज़ करना है। पहले ही हम लहसुन नहीं डालेंगे, इसी वक्त हमें लहसुन डालना है। अब कई लोग सोचेंगे कि इसमें तो स्मेल आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। सिर्फ 2 मिनट और पकाएंगे और लहसुन पक जाएगा, और उसकी जो न्यूट्रियस वैल्यू है वो भी बनी रहेगी। तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट और पकने देते हैं, और फ्लेम को हम लो पे कर लेते हैं और इस पर लगा लेते हैं ढक्कन। 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए सब्जी को। एक बार हम इसे चला के देखते हैं। देखिए बस ये पक ही गया है। एक मैंने छोटा सा कच्चा आम कद्दूकस कर लिया है, इसको डाल लेते हैं। जितनी हाई तौबा टमाटर के लिए हो रखी है, तो भाई टमाटर के ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अमचूर भी डाल सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, पहाड़ी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होती हैं, तो ये रेसिपी भी बहुत अच्छी और स्वादिष्ट है। चावल के साथ ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करके बताइएगा आपको कैसी लगी। और नई रेसिपी के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।